साथियों नमस्कार, हमारे चैनल रमन विद्यार्थी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो हिंदी लिखने का अभ्यास करें, हिंदी लिखने का अभ्यास करें कि आज की वीडियो में हम लोग मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय लिखने का अभ्यास करेंगे। और आज की वीडियो मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय भाग दो है। इससे पहले वीडियो मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय भाग एक, जिसका लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ जाकर आप उस वीडियो को भी देखें। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आप अभी अपना कॉपी और पेन लेकर हमारे साथ साथ लिखिए। तो पहले हम रचनाएं लिख लेते हैं, मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं। मुंशी प्रेमचंद की रचनाओं में लिखते रहिए आप भी हमारे साथ साथ। मुंशी प्रेमचंद, प्रेम चंद की रचनाओं की रचनाओं में प्रसिद्ध उपन्यास प्रसिद्ध उपन्यास 18 से अधिक हैं। अधिक हैं जिनमें सेवा सदन निर्मला रंगभूमि कर्मभूमि गबन गोदान आदि प्रमुख हैं। गबन गोदान आदि प्रमुख हैं। विराम लिख देंगे, आगे लिखेंगे उनकी कहानियों का विशाल संग्रह 8 भागों में मानसरोवर नाम से प्रकाशित है। मानसरोवर नाम से प्रकाशित है जिनमें लगभग 300 कहानियां संकलित हैं। विराम लिख देंगे, आगे लिखेंगे करबला संग्राम और प्रेम की वेदी प्रेम की वेदी उनके नाटक हैं।
उनके नाटक हैं। विराम लिख देंगे, आगे लिखेंगे साहित्यिक निबंध। साहित्यिक निबंध साहित्यिक निबंध साहित्यिक निबंध कुछ विचार नाम से प्रकाशित हैं। कुछ विचार नाम से प्रकाशित हैं। प्रकाशित हैं। विराम लिख देंगे, आगे लिखेंगे उनकी कहानियों का अनुवाद। उनकी कहानियों का अनुवाद उनकी कहानियों का अनुवाद संसार की अनेक भाषाओं में हुआ है। विराम लिख देंगे, आगे लिखेंगे गोदान हिंदी का हिंदी का एक श्रेष्ठ उपन्यास है। विराम लिख देंगे, ये मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं थी। अब हम इनका साहित्यिक परिचय लिखेंगे। मुंशी प्रेमचंद जी ने लगभग एक दर्जन एक दर्जन उपन्यासों एवं 300 कहानियां कहानियों की रचना की। उन्होंने माधुरी एवं मर्यादा नामक पत्रिकाओं का संपादन किया। तथा हंस एवं जागरण हंस एवं जाग नामक पत्र भी निकाले।
हंस एवं जागरण नामक पत्र भी निकाले, पत्र भी निकाले। मुंशी प्रेमचंद मुंशी प्रेमचंद उर्दू रचनाओं में नवाब राय के नाम से लिखते थे, के नाम से लिखते थे। उनकी रचनाएं उनकी रचनाएं आदर्शोन्मुख यथार्थवादी यथार्थवादी हैं, जिनमें सामान्य जीवन की सामान्य जीवन की वास्तविकताओं का वास्तविकताओं वास्तविकताओं का सम्यक चित्रण किया गया है। सम्यक चित्रण किया गया है, किया गया है। विराम लिख देंगे, आगे लिखेंगे समाज सुधार एवं राष्ट्रीयता राष्ट्रीयता उनकी रचनाओं के प्रमुख विषय हैं। उनकी रचनाओं के प्रमुख विषय हैं। विषय हैं, विराम लिख देंगे, आगे लिखेंगे प्रेमचंद जी ने हिंदी कथा साहित्य हिंदी कथा साहित्य में युगांतर उपस्थित किया उपस्थित किया विराम लिख देंगे उनका साहित्य समाज सुधार और
समाज सुधार और राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत है, ओतप्रोत है। विराम लिख देंगे। वह अपने समय की, वह अपने समय की सामाजिक तथा राजनीतिक परिस्थितियों परिस्थितियों का पूरा प्रतिनिधित्व करता है, विराम लिख देंगे। आगे लिखेंगे उसमें किसानों की दशा, सामाजिक बंधनों में तड़पती नारियों की वेदना, सामाजिक बंधनों में तड़पती नारियों की वेदना, और वर्ण व्यवस्था की कठोरता के भीतर संत्रस्त हरिजन की पीड़ा का मार्मिक चित्रण मिलता है विराम लिख देंगे। प्रेमचंद की सहानुभूति, प्रेमचंद की सहानुभूति दलित जनता जनता शोषित किसानों
और उपेक्षित नारियों के प्रति रही है, नारियों के प्रति रही है। सामयिकता, सामयिकता के साथ ही उनके साहित्य में ऐसे तत्व भी विद्यमान हैं, जो उसे शाश्वत और स्थायी बनाते हैं। विराम लिख देंगे, आगे लिखेंगे मुंशी प्रेमचंद जी। मुंशी प्रेमचंद जी अपने युग के उन सिद्ध कलाकारों में थे, जिन्होंने नवीन युग की आशा आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति का सफल माध्यम बनाया विराम लिख देंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जिसमें हम लोगों ने मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय लिखना सीखा। और मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय की ये वीडियो नंबर 2 थी, और इससे पहले की वीडियो नंबर 1 थी। उस वीडियो का लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ जाकर आप उस वीडियो को भी देखें। तो लाइक कर देना हमारी इस वीडियो को, और हमारे चैनल रमन विद्यार्थी को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक लीजिए जय हिंद, जय हिंदी।